नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विकासखंड स्त्रीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन ग्राम पंचायत बालूद के प्रांगण पर किया गया। आयोजन में विभिन्न शालाओं के छात्र छात्राओं के साथ उनके पालक, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं शिक्षक उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक चैत्राम अटामी ने शाला में नौ प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर तथा मिष्ठान खिलाकर एवं पुस्तक एवं गणवेश वितरण कर उनका उत्साह बढ़ाया। मौके पर उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को सभी बच्चों को नियमित स्कूल भेजने एवं शत प्रतिशत शाला में प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित करने के साथ ही सभी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को शाला से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को हल करने का भी भरोसा दिया। इसके अलावा अन्य वक्ताओं द्वारा सभी शिक्षकों को अनुशासित रहने एवं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का भी आग्रह किया गया। आयोजन में जनप्रतिनिधि रामू राम, नेताम सदस्य जिला पंचायत सुनीता भास्कर, अध्यक्ष जनपद पंचायत पायल गुप्ता, नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा, सरपंच ग्राम पंचायत बालूद मल्लोचन ठाकुर, अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। आयोजन के उपस्थित सभी अतिथियों के द्वारा हाई स्कूल बालूद के छात्राओं को साइकिल वितरण के अलावा अन्य पंचायत भवन में परिसर में वृक्षारोपण किया गया। आयोजन में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी एसके अम्बस्त, डीएमसी एसएल सोरी उपस्थित हुए। आयोजन की समापन पर खंड स्रोत समन्वयक के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें पंचायती राज न्यूज के साथ। नमस्कार।